इस पे नाम भी नहीं है। नाम नहीं है ना इस पे। किसने दिया ये गोल की चेन? पापा किसने दिया ये गोल की चेन? हाँ आपको पता है किसने दिया? पापा आपके पास किसी ने दी थी क्या ये चेन? हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है पापा के पास। हाँ पापा के पास ही दी होगी। लेकिन ये फ्रेम देखो ना कितनी मस्त है, इसको यहाँ पे रखते हैं। आप लोग गेस कर सकते हैं इनमें क्या क्या गिफ्ट होंगे? मुझे तो इतने सारे गिफ्ट देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अभी हम इसको एक एक करके अनबॉक्स करेंगे। और देखो सिर्फ इतने ही गिफ्ट नहीं है, उधर के रूम में भी है ना और गिफ्ट पड़े हुए हैं। और इस बार मुझे है ना बहुत सारे ब्रांडेड गिफ्ट भी मिले हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस मुझे है ना ऐसे वाला बर्थडे भी याद है, जब मैं अपने नानी के घर पे रहा करती थी ना, तब वहाँ पे हम लोग है ना पेस्ट्री होती थी ना उसको केक समझ के कट करते थे, और मुझे बर्थडे गिफ्ट में ना पार्ले जी वाले बिस्किट मिला करते थे। और आज देखो आज मुझे कितने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं मेरे बर्थडे पे। देखो गाइस सिर्फ इतने ही गिफ्ट नहीं है, अभी है ना और गिफ्ट है उधर के रूम में इधर के रूम में। मैं ना अभी जाके सारे गिफ्ट कलेक्ट करके लाती हूँ। ये देखो मुझे है ना ढेर सारे प्रेजेंट पैकेट भी आए, तो हम इसको भी खोलेंगे चलो। और देखो ढेर सारे है ना गोल्ड ज्वेलरीज भी आए शायद। वाह देखो ये और ये बड़ा वाला बॉक्स, इसमें देखेंगे क्या है। आ जाओ लग रहा है।
पापा के पास। हाँ, पापा के पास ही दी होगी। बताओ किसने दी है? किसने दी थी? हाँ? अरे तुमको ये गोल्ड की चेन मेरे अलावा या फैमिली के अलावा और कौन दे सकता है? पापा ने दी है। पापा ने दी है। तुमको क्या क्या लग रहा कि तुमको कौन ये गोल्ड की चेन देने वाला है? मुझे क्यों नहीं पता? हाँ? मुझे क्यों नहीं पता? तो हर बात तेरे को बताना थोड़ी जरूरी रहती। गोल्ड चेन लेने गए। ये देखो ना कितनी मस्त है ये चेन। पापा ने दी है। वाव, ये देखो। देखो नाजुक कैसे गोल्ड ज्वेलरी पसंद आती है ना, तो मैंने सोचा कि ना एकदम बारीक सी पतली सी चेन लेंगे। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू पापा। हाँ, और उसमें ना पेंडेंट भी है ना, वो पुराना ही पेंडेंट है। हाँ, तो चेन न्यू है, पेंडेंट है ना वो अपना खानदानी पेंडेंट है वो। हाँ, तो वो तू पहनना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी सोचने लगी किसने गोल्ड की चेन ली है, मैंने सोचा ही नहीं पापा भी दे सकते। ये वाली जो फ्रेम है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्पेशल इसीलिए है बिकॉज़ ये देखो, न्यूज़पेपर में ना मेरा इंटरव्यू आया था, तो ये उसी की फ्रेम है। तो जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया था ना, उन्होंने ना इसका फ्रेम बना के ये आर्टिकल मुझे गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच, बहुत स्पेशल है ये। ऐसे मुझे बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर चाहिए, तेरे फोटो चाहिए। यस बिल्कुल मम्मी, और हार्ड वर्क करेंगे हम। चलो देखते हैं अब गिफ्ट अनबॉक्सिंग की बारी है, कौन सा वाला गिफ्ट लूं। रुक मैं दूंगी। अच्छा अब तो लो, ऐसे अकड़म अकड़म चल रहे हैं। कौन सा गिफ्ट लेना चाहिए? ये वाला। ठीक है चलो देखते हैं इसमें क्या है। टिकट मम्मी, मुझे पता चल गया इसमें क्या है। कौन? मेरे फेवरेट पप्पा है इसमें। ये देखो गणपति पप्पा मोरिया। पहला गिफ्ट गणपति पप्पा का ही निकला है। हाँ मतलब शुभ, एकदम शुभ, एकदम शुभ। चलो मैं दूसरा गिफ्ट, कौन सा लू गिफ्ट? ये वाला लेते हैं, ये ऊपर ही था ना, ये वाला गिफ्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओ ये तो डायरी है, ये देखो डायरी और पेन, तो ये तो बहुत काम की चीज है। ये लो मम्मी, इसमें आप लिखा करो। मैं सारे हिसाब लिखूंगी। यस, हिसाब किताब सब मम्मी लिखा करती है, तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ये वाला गेस कर क्या है इसमें? आई थिंक ये चीकू बेबी के लिए होगा। चीकू है ना नीचे गया हुआ है, इसीलिए उसको हमने नहीं बुलाया। हम ही कर लेते हैं सारे गिफ्ट अनबॉक्स। गिफ्ट के अंदर और एक गिफ्ट है, ये मुझे पता चल गया इसमें क्या है। वाओ कितना मस्त है ये, देखो क्यूट है। अरे छोटे बच्चों का खेलने का है शायद वो। हाँ, मिरर और निकालो क्या है इसमें। ये नेकलेस है। हाँ नेकलेस है वो। और एयरिंग है, एयरिंग है, ये देखो ये ऐसे बिंदी है। कितना क्यूट है ये, मस्त है एकदम। और ये मिरर मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना छोटू सा मिरर है। अब क्यों, कौन सा गिफ्ट अनबॉक्स करे? ये वाला करे। तो इसमें है ये पर्स, कितनी मस्त पर्स है, और इसका कलर भी कितना मस्त है। ये ऐसे मैं लेके जाया करूंगी बाहर। अरे इसमें और एक गिफ्ट है देख। क्या है इसमें? चावल के ऊपर नाम लिखा हुआ है। हाँ जानवी लिखा है इसपे। अबे कौन सा वाला गिफ्ट अनबॉक्स करूँ? ऊपर से लेती हूँ मैं यहाँ से। ये गोल्डन वाला कर। अरे इसमें तो मिरर है। वो लाइट और फोटो वाला मिरर होगा है ना? हाँ ही, लाइट और फोटो वाला मिरर है। मेरे पास अभी ऐसे दो दो मिरर हो गए। चलो अभी हम इसको है ना ऑन करके देखते हैं। ये देखो इसपे चीकू बेबी का फोटो है, ये लास्ट बर्थडे का फोटो है चीकू बेबी का। ये गिफ्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग ये वाला गिफ्ट अनपैक करते हैं। चलो आ जाओ बैठो। देख उसमें ना छोटी सी कोई ज्वेलरी होंगी। ज्वेलरी या फिर खिलौना? अरे ज्वेलरी, उसके अंदर देख ले। पापा अचानक से सही गेस कर रहे हैं सब। हाँ ज्वेलरी है। हाँ ना पापा, कैसे पता चल जा रहा है आपको? ऐसे ही मेरे बाल सफेद हुए क्या?
ही अच्छी ज्वेलरी है और ये रहे इसके एयररिंग, बहुत मस्त है। चॉकलेट? नहीं चॉकलेट नहीं है उसमें। चलो खोलो देखो। वाह कितना मस्त है, इतना सुंदर है ये। क्या हल्दी कुमकुम का दिख रहा है ना? हल्दी कुमकुम रखने वाला है। ये लो ये आपके लिए। अभी हम ये वाला गिफ्ट खोलेंगे और ये वाला भी। इसमें तो मैं पहचान सकती हूँ, इसमें चॉकलेट है। चॉकलेट की खुशबू आ जाती है मुझे इसमें। सारे चॉकलेट में अकेले खा लूंगी। बच्चे चॉकलेट का गिफ्ट खुलने वाला है। उधर चॉकलेट का नाम सुनते ही भाग के आ जाएगा वो। दे अरे यार ये क्या? ये ले चॉकलेट खा के मजा आया। अभी ये वाला गिफ्ट देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी चॉकलेट लग रहा है। हाँ इसमें भी चॉकलेट है। किसी के साथ शेयर नहीं करती चॉकलेट। ये ले ये भी फ्रिज में रखते। वो वाला देखो वो। ये देख ये चिकू के लिए बैग आई है। हाँ ये चिकू बेबी के लिए आई है। अभी वो स्कूल जाएगा ना इस साल से। कितना मजा आएगा। ची बेबी स्कूल जाएगा, कितना मस्त होगा सब कुछ। अभी ये वाला गिफ्ट देखता है। इसमें मूर्ति वगैरह है। कौन सी मूर्ति? गणपति पापा की? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान राधा कृष्ण। देखा मैंने कैसे गेस कर लिया। वाओ कितना सही है देखो। ब्यूटीफुल मूर्ति है। अभी हम ये वाला गिफ्ट देखेंगे इसमें क्या है। कितना ज्वेलरी। पापा ही सब बता रहे। हाँ अरे ज्वेलरी है खोलो। रुको रिंग नहीं नहीं चूड़ी। हाँ, चूड़ी नहीं है ज्वेलरी है खोलो। इसमें ज्वेलरी है या रिंग है या चूड़ी है क्या है? क्या है ये सब में से कुछ भी नहीं है। इसमें वॉच है। बहुत अच्छी लगी मुझे ये वॉच और कलर भी बहुत प्यारा है। उसमें ज्वेलरी नहीं। इसमें ज्वेलरी नहीं है। खुल जा सिम सिम। इसमें ये देखो एक नहीं है दो दो है इसमें। एक तो ये वाला पैटर्न का है। सेट है ये गले। अच्छा सेट है वो मुझे लगा। अच्छा दिख रहा वो तो। बहुत ब्यूटीफुल है ये। पहना करूंगी मैं कभी इसको। ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। बड़े वाले गिफ्ट हम है ना लास्ट पे अनबॉक्स करेंगे। इसमें तो पापा को पहले पता होगा। फ्रेम है लेकिन वो फ्रेम किसकी है? और तेरे ऊपर है ना भगवान श्री कृष्ण का खास आशीर्वाद एकदम। अरे नहीं ये राधा कृष्ण की फ्रेम नहीं है। ये देखो ये हमारी फैमिली फोटो और चिकू बेबी के लिए। ये देखो ये हमारी फैमिली फोटो है ना। ये मेरी फेवरेट फोटो है। ये दिवाली की है। ये शायद चिकू बेबी के लिए है। जल्दी जल्दी अनबॉक्स करो मेरे हाथ दर्द देने लग गया। पकड़ पकड़ के कैमरा तो एक दिन इसीलिए पापा को नहीं देते ऐसे कैमरा हैंडल करने के लिए। पर एक दिन नहीं पकड़ा तो ऐसे हाथ दर्द दे रहे। इसमें कोई यूजेबल चीज है या फिर शोपीस? शोपीस है। अमिताभ बच्चन खोलो ना लोहड़ गाए क्या? अरे ये तो बलून से। हाँ, चिकू बेबी के लिए तेरे लिए। और ये वाह कितना मस्त ब्रेसलेट है। ये देखो ये मेरे लिए है। थैंक यू सो मच। बहुत स्वीट है ये। तो ये वाला जो गिफ्ट है ना ये मम्मी के जिम के फ्रेंड्स ने दिया है। देखते हैं इसमें क्या है। बहुत हैवी लग रहा है। क्या हो सकता है? डंबल जिम में सुने ये तेरे को? अरे ये ची बेबी के लिए है। आ गई भाई अभी ची बेबी की गाड़ी। यार मुझे भी चाहिए ये गाड़ी। कितनी मस्त है। बच्चा रिमोट कंट्रोल कार। तुरंत वहां से इसकी सारी नजर इधर ही है। कितनी मस्त गाड़ी है। इच्छी बेबी को दे देंगे। अभी हम ये वाला गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। आप वो वाला गिफ्ट लेके रखो हाथ में। इसमें भी चॉकलेट है। कितने सारे चॉकलेट। महीना भर का हो गया चॉकलेट अभी मेरे पास। छोटे बड़े सारे चॉकलेट है अभी मेरे पास। ये वाला गिफ्ट देखते हैं इसमें क्या है। उसमें कपड़ा है शायद। नहीं नहीं हैवी है बहुत। इसमें तो गाड़ी है। और एक रिमोट कंट्रोल का। चलो भाई ची खुश है फिर तो। ची का मामला एकदम खुशम खुश है। अभी ये वाला गिफ्ट देखते हैं इसमें क्या है। ये ऐसे बज रहा है ना तभी मैं समझ गई है चॉकलेट। ये देखो ये ड्राई फ्रूट्स वाले चॉकलेट है। ये भी आ गया चॉकलेट का ये करने के लिए। अभी तो नट्स जैसे। तो अभी है ना ये एक फ्रेम है। अभी आप लोग गेस कर रहे हैं किसकी फ्रेम होगी। वाओ कितने अच्छे अच्छे फ्रेम हो गए है ना मेरे पास कृष्ण भगवान के। मैं क्या बताऊँ आप सबको। बहुत प्यारी है ये। कितनी अच्छी फ्रेम है। ये बहुत बड़ी फ्रेम है। अब देखते हैं इसमें क्या है। बाल गणेश। कितने मस्त है। ऐसे कलरफुल फ्रेम्स है ना मुझे बहुत पसंद आते हैं। देखो अभी है ना ये एक बड़ा बॉक्स बाकी है। ये वाला एक बॉक्स बाकी है।
क्या है उसमें? कपड़े कहाँ से दिखे आपको? ऐसे ही बाल सफेद हुए क्या मेरे? तो जो हमारे घर का सारा काम संभालती है हमारी मौसी है ना, ये गिफ्ट उन्होंने दिया है, ये देखो। ये है चिकू बेबी के लिए, कितना मस्त है ना, इसका कलर कितना प्यारा है। और ये ड्रेस है मेरे लिए, कितना अच्छा ड्रेस है ना। बहुत सुंदर ड्रेस है ना। मौसी की चॉइस बड़ी अच्छी है और ये कलर भी बहुत मस्त है। थैंक यू सो मच सुनीता काकू, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। बड़े वाले बॉक्स में क्या हो सकता है? गेस कर सकते हो क्या हो सकता है मम्मी? अब गेस करो पापा। उसके अंदर संतूर तो नहीं है? और कुछ नहीं, कुछ नहीं है, इसमें ढेर सारे कागज है। मैंने प्रैंक किया अपने साथ। यार ये क्या है ये इतना सारा? बड़े बॉक्स में ऐसे गिफ्ट आया, किसी ने प्रैंक किया अपने साथ में। यार ये क्या प्रैंक हुआ और ये क्या था? सभी गिफ्ट है ना, मतलब दिल से हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो ये गिफ्ट है ना पापा के फ्रेंड ने दिया है मुझे फ्रॉम आइकॉन कंप्यूटर। देखते हैं इसमें क्या है। बोलिंग वाला है, ची बेबी के लिए ये। अभी नेक्स्ट गिफ्ट कौन सा लूं? ये वाला गिफ्ट है ना मुझे पारस भैया ने दिया है, ये देखो ये पर्स। तो सच में पारस भैया मुझे ये पर्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप पारस खरताल के व्लॉग्स देखते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और देखो पारस भैया ने ना मुझे और एक गिफ्ट दिया है, और ये देखो ये है वो गिफ्ट। भैया ने मुझे परफ्यूम दिया है, थैंक यू सो मच, मुझे ये गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा भैया। तो ये गिफ्ट है ना मुझे विनीत सर ने दिया है, ये देखो वाला डीजी। चलो देखते हैं इसमें क्या है। मैं गेस करूं क्या है उसमें? क्या है बता? इसमें पर्स है। टॉमी हिल्फिगर इधर देखा आपने पापा? कहां है बता? ये देखो ये यहां पे ब्रांड का नाम लिखा है। अरे तो उसमें पर्स कहां लिखा है? पर्स होगी सच में, पापा ने बोला है इसमें पर्स है, देखते हैं इसमें क्या है। अरे ऐसे मेरे बाल सफेद नहीं हुए। मारे साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। ये की डायलॉग बोल रहे पापा। ये गिफ्ट विनीत सर ने दिया है चिकू बेबी के लिए, ये देखो फ्रॉम वाला डीजे। तो ये बताओ ऊपर का क्या है? हाँ गेस करो, चलो। फेरेरो रॉचर। हाँ गिफ्ट में फेरेरो रॉचर। कैसा चले आई मछली, कैसे चले आई कांटे में फंसने के लिए? चल भाग, बाद में। यार पापा के पास कोई जादुई मंत्र है क्या? कैसे पता चल रहा है पापा को? क्या होगा बताओ? कपड़े, जिम बैग है चीनी में। चिको भी जिम जाएगा। वाओ बहुत अच्छी है ये बैग देखो। थैंक यू सो मच विनीत सर, हमको गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। ये देखो मुझे ना और एक गिफ्ट मिला है, इसमें देखते क्या है। देखो मैंने बोला ना इसमें डी ओ एम मस्त है ये भी। और मैं भी है ना तेरे को ना एक स्पेशल गिफ्ट देने वाला है। दिखाओ क्या गिफ्ट लान। तेरे को समझेगा भी नहीं कि वो गिफ्ट क्या है। अरे आप लाओ देखेंगे, गेस करते हैं। ये क्या है? ये तेरे लिए गिफ्ट मम्मी का और मेरे तरफ से। अरे बटी क्या है मेरे को बताओ तो थोड़ा, अभी गिफ्ट दे रहे हो तो आओ ना बैठो। ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं तुझे। क्या है ऐसे ये गिफ्ट? हाँ? जो मैं पढ़ूंगी तभी भी मुझे समझ नहीं आएगा। पढ़। प्लॉटिंग, मतलब मेरे को समझाओ ना, मेरे को नहीं समझ आ रही क्या है प्लॉटिंग के मतलब। प्लॉट का ये कुछ प्लॉट लिया है हमने, प्लॉट खरीदी करते हैं। ये प्लॉट एक हमारे तरफ से, हम दोनों की तरफ से तेरे हर बर्थडे पे, जब तक हमारी औकात होगी हम तेरे को हर बर्थडे पे एक एक ये दिया करेंगे, हर बच्चे को एक एक प्लॉट हर बर्थडे पे। ये प्लॉट मतलब ये रजिस्ट्री है। हाँ। देखो पापा मुझे प्लॉट गिफ्ट कर रहे हो बर्थडे पे, इतना बड़ा गिफ्ट। इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता माँ बाप से। अगर हिम्मत हो, अगर अपन बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं एज अ माँ बाप, तो उनके लिए ये करना चाहिए। हमारे बाद में ना बच्चों के पास में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये लाइफ टाइम रहेगा अपने बच्चों के पास में, उनके बच्चों के पास में, उनके बच्चों के पास में, ये हमेशा रहेगा। इसलिए खूब मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो
और अपने बच्चों को ये गिफ्ट दिया करो। बहुत बेस्ट गिफ्ट था, थैंक यू पापा। एक मिनट दिखाओ मेरे को फिर से। अब डॉक्यूमेंट तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये देखा। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। हाँ, तेरी मम्मी केयर टेकर रहेंगे। चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सारी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग जो है वो हो गई है, बट यार मैं ये सोच रही हूँ कि काश आज मेरे पास डायमंड प्ले बटन होता तो मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग कर रही होती, कितना मजा आता। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा जल्दी आएगा मेरा डायमंड प्ले बटन। क्या हो गया, क्या कर रहे हैं? अलग चलते रहता है, ये देखो ऐसे सब चलते रहता है घर में। ये देखो काव्या का है ना डायमंड प्ले बटन, आके कब से पड़ा है, तो बर्थडे में वो दो चार दिन से इतनी बिजी हो गए ना, वो जो वीडियो एडिट होके आया था उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन वाला, तो उसमें मेरी वो छोटी सी क्लिप थी डायमंड प्ले बटन रिसीव करने की डिलीवरी से, तो वो उसने देखा ही नहीं अभी तक, तो उसको पता ही नहीं चला कि वो छोटी सी क्लिप उसमें है डायमंड प्ले बटन की। चलो ठीक है। चलो जान दो, जब जब है ना, जब वो अपने मन से वो ये देखेगी कि इसमें क्या है, तब उसको है ना वो पता चलेगा क्या है। अभी उसको रहने दो, हम कुछ बोलते ही नहीं उसको। ठीक है चलेगा। हाँ। जो एडिटर ने भेजा है उसने देखा भी नहीं, वैसे ही पोस्ट किया। हाँ। है बस मैंने और उसके पापा ने देखा, उसके पापा ने मुझे बताया था उसमें क्या है। हाँ। जाने दो अभी उसको, जब पता चलेगा। और इन्होंने मना किया है, जब वो खुद होके देखेंगे उसमें क्या है तभी रहेगा। और मैं चाहती हूँ ना ऐसे बिग सरप्राइज देके उसको ओपन करने लगाएं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ढेर सारी लाइक्स कर देना, और प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।